नसीब से उसका फोन मेरे हाथों लग गया। अगर उसके हाथों में होता तो अब तक कोई दुर्घटना हो सकती थी। चलो अच्छा हुआ, शायद उसी का नंबर है। इसी फोन के जरिए उन आतंकवादियों के साथ इसका कम्युनिकेशन हो सकता था। मंत्री के बच्चे को लेकर सैफुद्दीन ऊपर आने वाला है, ऐसा मैसेज आया है। हमको इतना ही मांगता है, सिर्फ एक फोन कॉल। तुम फोन करके पुलिस वालों को समझाओगे तो वो हमारे सारे साथियों को लेकर वापस आ जाएंगे, हैं? इतना तो करोगे ना, नहीं तो तुम दोनों यहीं जान से मारे जाओगे। ये नहीं हो सकता, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ए मिस्टर, मुझे मेरी जान से ज्यादा मेरा देश प्यारा है। बहुत बढ़िया, तुम्हारा ये लेक्चर मुझको नहीं चाहिए। बहुत सालों के बाद तुम्हारा एक बच्चा हुआ है ना, वो बच्चा मेरे आदमी लोगों के पास है, इतना काफी नहीं है? उसके जरिए हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, तब तुमको पता चलेगा। अगर बच्चा चाहते हो तो हमारे साथ मिलकर हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। नो, तभी तुम लोगों को बचा पाओगे, नहीं तो तेरे बच्चे को मार दूंगा। मैं तुझे सोचने के लिए कुछ वक्त देता हूँ, आराम से सोच के मुझको बताना, बच्चा चाहिए कि नहीं। ए, तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? गोपाल, ये मत सोच कि तू जीत गया। तेरे इस कारनामे की वजह से तुझे कुछ पल में अंजाम भुगतना पड़ेगा, और कुछ ही पलों के बाद इस अस्पताल को हम लोग बम से उड़ा देंगे। यही तेरी सजा है। बाल गोपाल, मैंने तुझसे कहा था ना, ये युद्ध है, ये इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा। कैसे योद्धा हो तुम? कुछ देर पहले तुमने एक बच्ची को मारा और अब दूसरी बच्ची को भी मारना चाहते हो, इसे योद्धा कहते हैं? मैं एक योद्धा हूं, आजा। इफा
इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, हाँ, देना चाहिए। भारतीय समाज को बचाए रखना चाहिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, हाँ, देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, हाँ, देना चाहिए। राज्य सुरक्षा के लिए उन्हें मेहनत करनी चाहिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हम भारतीय लोगों के बीच देश और संविधान के खिलाफ अन्याय पर रोक लगानी चाहिए। हमारे गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए। देना चाहिए। राज्य की सुरक्षा के प्रति मेहनत करनी चाहिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए। 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 हमारे देशवासियों के बीच में देश में अन्याय पर रोक लगानी चाहिए। अन्याय पर रोक लगानी चाहिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। हमारे देश के संविधान के प्रति अन्याय पर रोक लगानी चाहिए। अन्याय पर रोक लगानी चाहिए। Have a nice day. हाँ बोल। ठीक है। हाँ हाँ में आपका स्वागत है। मुंबई में किन किन जगहों पर बम ब्लास्ट होने वाला है, इसमें कौन कौन शामिल है और सुरक्षा बलों ने राज्य के बचाव के लिए क्या क्या एक्शन लिया है, इसके बारे में हमें अब तक जो खबर मिली है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर मिली है कि पालघर में इस सिलसिले में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। सूचना है कि आतंकवादियों का लीडर पुलिस के हाथ चढ़ गया है। गृह मंत्री के लोगों का कहना है कि राज्य में फैल रही आतंकी गतिविधियों के खिलाफ उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। गृह मंत्री का कहना है कि सभी आतंकवादी जल्द ही पकड़े जाएंगे। मंत्री जी का कहना है कि राज्य में अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों को पुलिस ढूंढने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर साइबर सेल का कहना है कि मुंबई में प्राइवेट सेंटर से ये मेल भेजा गया है और ये सच है या झूठ ये पता नहीं। कुछ दिनों से ऐसी गलत अफवाह फैलने की वजह से पुलिस प्रशासन और पब्लिक के बीच में डर पैदा हो गया है। हो सकता है ये दूसरा मेल भी अफवाह फैलाने के लिए भेजा गया हो। फिर भी दूसरे राज्यों में जो बम ब्लास्ट हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस मेल के खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। कल्याण, थाने, भिवंडी, इन जगहों पर बम विस्फोट होगा, इस तरीके के जो मेल मिले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इन जगहों की सुरक्षा टाइट कर दी गई है। पुलिस आयुक्त का कहना है कि कभी कभी स्टूडेंट भी इस तरीके की हरकतें करते हैं और इस तरीके के अफवाह से पुलिस का टाइम बर्बाद होता है, इसलिए कई बार ऐसे केसों को नजरअंदाज करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि मुंबई में अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट होगा, ऐसा जो मेल मिला है उसको लेकर हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में गृह मंत्री ने सबको एकजुट होकर एक्शन लेने की बात कही है।
हाँ कौन बोल रहा है? हाँ ठीक है ठीक, हम पहुँच गए, मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा ना बाद में बात करता हूँ। ओके ओके। सर, मुंबई में होने वाले बम विस्फोटों के बारे में आपको क्या जानकारी मिली है? जो मेल मिले हैं वो सही हैं या गलत? सर, विस्फोट के बारे में आपको जो खबर मिली है वो कहाँ से मिली है? इस केस की जो तहकीकात कर रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद इकबाल, जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप रिपोर्टर लोग भी बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। सर, पिछले कुछ दिनों से लोग डर के साए में जी रहे हैं और उनके साथ अन्याय भी हो रहा है। इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ है। इसके बावजूद भी आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, इस केस की तहकीकात मोहम्मद इकबाल कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। राज्य के लोग जो डर के साए में जी रहे हैं, सब कुछ पुलिस के हाथों पे छोड़ करके सारे दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हादसे को काबू करने के बजाय सब आपस में लड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी आप बस, अपने परिवार से मिलने बस करो मेरे पत्रकार भाइयों, जरा रास्ता भी तो छोड़ो। मंत्री जी की बीवी को यहाँ डिलीवरी के लिए एडमिट किया गया है। इस तरह की बातें करने के लिए हम बाद में समय निकालकर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे आपको। अभी आप लोग जाइए जाइए। सर आप चलिए। सर आपने कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों मेरी बात सुनो, तुम किस चैनल की वजह से मुझे उकसा रहे हो? हाँ, कुछ दिनों में तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। मैं भी एक इंसान हूँ, साथ में पति हूँ, वही फर्ज निभाने आया हूँ। शादी के 10 साल बाद आज मेरा एक बच्चा होने वाला है। इस समय पति और बाप का फर्ज निभाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो अपने परिवार को चला सकता है वही इंसान देश को चला सकता है। सर आप भी मंत्री बनने से पहले एक आम आदमी ही थे। घर परिवार के साथ आप देश की भी रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी मेरे लिए सब सवाल करना बहुत जरूरी है। एक इंसान का फर्ज वहाँ से शुरू होता है जहाँ से उसका परिवार, माँ बाप बहन भाई बीबी बच्चे और उन सभी लोगों के लिए एक वक्त का खाना, थोड़े से प्यार, जरूरत पड़ने पर दवा, ये सब जो देता है वही एक जिम्मेदार इंसान होता है। उसके बिना मंच पे भाषण देना बस एक नाटक ही होता है। हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। जो भी केस मोहम्मद इकबाल ने लिया है उसे पूरा किए बगैर कभी नहीं छोड़ता है। आप लोगों के लिए कोई नई खबर नहीं है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम हारेंगे नहीं। आप कोऑपरेट कीजिए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अभी की स्थिति में आतंकवादियों पर रोक लगाने के लिए और लोगों के दिलों से डर निकालने के लिए आपने क्या किया है? सुनो, हमारा ये देश भगवान का देश है, गॉड्स ओन कंट्री। इसलिए यहाँ पर पहला सवाल जो होता है उसका जवाब देने के लिए अरे खुद साक्षात भगवान आते हैं। आज की ताजा खबर, मुंबई में तीव्रता से बढ़ते हुए आतंक को रोकने के लिए इस केस को स्पेशल ऑफिसर मोहम्मद इकबाल को सौंपा गया है। गृह मंत्री अपनी बीबी की डिलीवरी के लिए अलाइट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपने परिवार से मिलने गए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही कि मोहम्मद इकबाल इस केस के नए ऑफिसर होंगे जो हर हाल में इस केस को सॉल्व करके रहेंगे, ऐसा मंत्री जी का मानना है। कहाँ जा रहे हो पापा को लेकर? डॉक्टर अंकल से मिलने जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? बताओ ना अच्छू। बताओ ना, कोई सरप्राइज है? नहीं बेटी, ये डॉक्टर अंकल को एक तोहफा देना चाहते हैं, है ना? ये देखो ड्राइंग भी है। ये डॉक्टर अंकल की है। जरा मुझे भी दिखाओ ना। सिर्फ ड्राइंग ही नहीं,
गाना भी लिखा है। ऐसी बात है क्या? गाओ ना, जरा गाकर सुनाओ, मुझे भी तो सुनना है। बाद में सुनाऊंगी। थैंक्स दीदी। ठीक है। दर्द कम करने के लिए स्ट्रिप दे रहा हूँ। सिस्टर जरा बाल गोपाल सर को बुलाओ ना। ठीक है सर। अंकल अभी बिजी हैं। बेटी, हम रूम पर चलते हैं, डॉक्टर अंकल वहीं आ जाएंगे। कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए। तुम चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। इसको डॉक्टर अंकल को एक तोहफा देना है, इसका सरप्राइज गिफ्ट है। लाओ मुझे दो, मैं दे दूंगी। नहीं। चलो बेटी, हम चलते हैं। चलो। ये लड़की कौन अरे है? आप नहीं जानते, ये हमारे सर की बेटी है। वो कॉलेज में प्रोफेसर थे। 4 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। अपनी फैमिली को खो चुके हैं। अच्छा। ये इनकी बेटी है अच्छू। अच्छू। उस हादसे में बस ये दो लोग ही बच पाए। साहब चल नहीं पाते हैं, पर उनकी बेटी एकदम ठीक ठाक है। अपने पिता को संभालना, खाना खिलाना, दवा पिलाना सब अच्छू ही करती है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो? एक इंसान इतना दर्द से तड़प रहा है और आप उसकी पल्स चेक कर रहे हो? उन्हें उठाओ जल्दी और लेबर रूम में ले जाओ। सर, ये एक मंत्री की बीवी है। डॉक्टर, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा, लेकिन हम लोगों के लिए पहली बार है। आप समझ गए ना? आप जरा डॉक्टर बाल गोपाल सर को बुलाइए ना। अरे किसी को तो बुलाने दो, इलाज तो शुरू करो। आप पहले बाल गोपाल जी को बुलाइए। डॉक्टर बाल गोपाल को बुलाने में कोई फायदा नहीं। जब उनका काम खत्म हो जाएगा वो सामने से फोन करेंगे। आप लोग डरिए मत। अरे काम खत्म हो जाएगा तब वो फोन करेंगे। डॉक्टर है या भगवान? आप एक बार कोशिश तो कीजिए। Thank you.
यस डॉक्टर बाल गोपाल हियर। सर मंत्री जी की बीबी को लेबर पेन हो रहा है, उनको लेबर वार्ड में शिफ्ट करने के लिए जिद कर बिना दर्द के कोई डिलीवरी हुई हो ऐसा कोई इतिहास नहीं है, चाहे वो मंत्री की बीवी हो या किसी और की, उस दर्द के पीछे एक सुख का अनुभव है, ये बात वो लोग नहीं जानते। थोड़ी देर वेट करो, होल्ड फॉर द मूवमेंट टिल यू डिलीवर। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, आगे बताइए। इस दुनिया में उस माँ के दर्द को सम्मान देने में हम लोग आज भी पिछड़े हुए हैं, समझे? ध्यान बढ़ गया है क्या? और वैसे भी हमारे इस काम की कहाँ कदर होती है। चलो रखता हूँ। डॉक्टर। यस। मंत्री जी की बीवी को लेबर पेन शुरू हो गया है। अच्छा, तो और एक आदमी ज्यादा होने वाला है। ठीक है, 1000 वार्ड में एक लेबर रूम डालने का मेरा सपना है, लेकिन समय पर 1000 बच्चे, हजारों का रोना धोना, हजारों दिलों का बहलना, उस पल का सुख कैसा लगेगा? एक्सक्यूज मी, मैंने क्यों गायनेकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट का कोर्स किया है ये तुम जानती हो ना? ये काम करने से जो मन को शांति मिलती है वो शांति मुझे किसी और काम में नहीं मिलती है। एक नवजात बच्चा मेरे हाथों से भगवान के रूप में जन्म लेता है, उन्हें लाने के लिए कहो और सभी को लाने के लिए। ओके डॉक्टर। सर से बात हो गई, लेबर रूम में ले जाने के लिए कहा है। चलिए क्विक फास्ट। डॉक्टर्स को भी मत बताना। हाँ। 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 हाँ।
डरने की कोई बात नहीं है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर जो है वो राज्य मंत्री जी की बीवी है। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल तो इस राज्य के लोग कई सालों से मुझसे पूछ रहे हैं। आप इन्हीं बच्चों को ढूंढते हुए आए ना? नवजात बच्चे, आखिर ये क्या पागलपन है? अगर एक भी कदम आगे बढ़ाए ना तो इन्हें उड़ा दूंगा। अरे इन बच्चों को पैदा हुए ठीक से एक मिनट भी नहीं हुआ, अभी तक इन बच्चों ने अपनी माँ का दूध तक नहीं पिया है। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, ऐसे ही मुद्दे पे आ जाओ, मुझे इन तीनों में से एक चाहिए। बताओ इनमें से होम मिनिस्टर का कौन सा है? डॉक्टर मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है? अगर आपने मुझे सच बता दिया तो मैं बाकी दो बच्चों को छोड़ दूंगा, नहीं तो तीनों को उठा ले जाऊंगा। ए बालगोपाल, इतना टेंशन में क्यों है? बताओ ना मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है? सुनो मिस्टर, इन बच्चों की तरफ देखो, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस सवाल से कोई फायदा नहीं होने वाला, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। तुमने पहचान लिया तो ठीक है, नहीं तो तुम जाओ यहां से। आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं? आपके गुस्से की वजह क्या है? देखिए, ये अभी अभी पैदा हुए हैं, मां से मिल नहीं पाए और ठीक से रोए भी नहीं है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है? आखिर आपका मकसद क्या है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका अंजाम बुरा होगा। वेरी गुड डॉक्टर, बातें अच्छी कर लेते हो। अभी आपको डाउट है ना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? मैं सैफुद्दीन हूं, आजादी की लड़ाई लड़ने वाला एक योद्धा, और इसीलिए होम मिनिस्टर के बेटे को यहां से उठा के ले जाऊंगा और अपना मकसद पूरा करूंगा। इसलिए डॉक्टर मेरे सवाल का जवाब दे दे, उसी में तुम्हारा फायदा है। इनमें से होम मिनिस्टर का कौन सा है बताओ ना? ठीक है, बताता हूं, लेकिन पहले चेक करने दो। ओके, तुम एक अच्छे इंसान हो मैं जानता हूं, इसलिए तुम पे भरोसा कर रहा हूं। पहले बच्चों के हाथों से टैग्स निकालने होंगे।
नहीं तो और परेशानी होगी। अगर जरा भी शक हुआ इसे तो तीनों बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इस समय भगवान का आशीर्वाद मिला और वो फोन पर बात करने में जुट गया। सही वक्त पर मैंने उन तीनों बच्चों के हाथों से टैग्स फाड़ कर फेंक दिए। कोई अंदर आए तो उसे गोली मार देना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। खुदा हाफिज। ये है ये या फिर ये। इनको पैदा हुए एक मिनट भी नहीं हुआ है, मैंने पहचान नहीं पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, इन बच्चों ने और गृह मंत्री ने आपका क्या बिगाड़ा है? इट्स अ वॉर। ज्यादा सवाल मत कर। कहते हैं ना, जंग में सब जायज होता है। मुझे अपना मकसद पूरा करना है। अभी भी तेरे पास टाइम है डॉक्टर, बता दे नहीं तो मार दूंगा। जल्दी से बता इनमें से कौन है वो। वो बच्चा मुझे हर हाल में चाहिए बाल गोपाल। इस मकसद को पूरा करने का हुक्म मुझे ऊपर वाले ने दिया है। क्या ऊपर वाला यही चाहता है कि ये तीनों बच्चे मर जाएं? जरा इन बच्चों की तरफ देखो, यही भगवान की माया है। एक बात गौर से सुन लो, इन तीनों मासूम बच्चों का इस्तेमाल करके तुम सारा इल्जाम ऊपर वाले पर मत डालो। ए, नहीं, अपनी बकवास बंद कर। तुम लोगों को पैसे चाहिए ना? पैसा 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 किसको चाहिए? तुझे और तेरे पूरे राज्य को खरीद सकता हूं, इतना पैसा है मेरे पास। पुलिस कस्टडी में हमारा मेडिकल प्रोफेसर है, उसे हमें वापस छुड़ाना है। इसलिए तू अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता इनमें से मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है, और नहीं बताना है तो जा यहां से। और तू क्या सोचता है कि तेरी बातों से मैं अपना मकसद बदल दूंगा? ये मैं जानता हूं, लेकिन इन बच्चों को बचाए रखने के लिए इन्हें एक दवा देना बहुत जरूरी है। और अगर इनकी जान बचानी है तो मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है, वरना ये मर जाएंगे। तो मरने देना, जब ये मरने ही वाले हैं तो इनकी जिंदगी क्यों बचाना चाहता है? डॉक्टर ये बता दे कि इसमें से मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है, उसके बाद तू दो बच्चों को आराम से लेके चला जा। नहीं तो तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए बच्चों का जिंदा रहना जरूरी है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो बाहर सभी लोग भड़क जाएंगे। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे बाहर जाना जरूरी है, इजाजत दीजिए प्लीज। तू जा सकता है, लेकिन अगर तूने बाहर जाके पुलिस को बताने की कोशिश की ना तो मुश्किल में पड़ जाएगा। और इस हॉस्पिटल में कई सारे लोग हैं जो सब तबाह कर देंगे, इसलिए होशियारी मत करना। hey, अगर तू यहां लौट के नहीं आए तो फिर दोबारा लौट के यहां तुझे आना ही नहीं पड़ेगा। इस हॉस्पिटल के अंदर ही सब दफन होके रह जाएंगे। तेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। अगर तूने होशियारी की तो समझ लेना। सिर्फ 15 मिनट का वक्त है, अगर इन 15 मिनट के अंदर कुछ नहीं कर पाया तो सिर्फ उन तीन बच्चों की जान ही नहीं बल्कि पूरा अस्पताल खतरे में पड़ जाएगा। और यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा तो हंगामा हो जाएगा।
किसी को बताए बिना और कोई दुर्घटना घटे बिना मैं कैसे और किस तरह सबको बचाऊंगा। ये सब क्या है डॉक्टर? मंत्री जी की बीबी को आपने एक घंटे से अंदर ही छोड़ दिया है, उनकी कोई खबर तक नहीं है और आप घूम रहे हो? अरे डॉक्टर साहब कुछ तो जवाब दीजिए। इस अस्पताल में मुझसे मिलने कई लोग आते हैं, सभी से मिलता फिरूं क्या? ये क्या हो रहा है, कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहा, सब अपने अपने काम में बिजी है। मेरे बेटे की स्थिति और उसके पोस्ट के हिसाब से हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जा सकते थे, पर सिर्फ आपकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। माजी माजी आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, आपके बेटे का सही इलाज चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, चिंता मत कीजिए। ओके वैसे आज कौन सा दिन है याद है ना आपको? आप काम में बिजी होंगे इसलिए मैंने सोचा मैं ही आपको याद दिला देती हूँ। क्या बात है, कुछ कह नहीं रहे? आज 6 दिसंबर है, आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज शाम को आते वक्त कुछ सामान लाना है, जल्दी आइएगा, मैं इंतजार करूँगी।
के बादल कीजिए नैया बीच भंवर इसे तुम थाम लो। अब क्या हुआ डॉक्टर? आधा घंटा रुकिए, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे राउंड्स पर जाना है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं। का काम निपटाने के बाद ही बाहर जा सकते हो, बेवजह परेशानी मत बढ़ाओ, समझ गए ना आप? अस्पताल है, पेशेंट्स रखना पड़ता है, सिर्फ मंत्री की बीवी नहीं और भी कई पेशेंट्स हैं, और मेरी नजर में सभी एक बराबर है, मुझे जाना ही होगा। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, हम लोग जाने को तैयार है। आप लोग बहुत बिजी होंगे, आपको एक्सपीरियंस भी बहुत होगा, लेकिन हम लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो आप अंदर जाइए या फिर हमें शिफ्ट होने की अनुमति दीजिए, इससे आगे कुछ मत बोलिए। जाइए। बेबीज, अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, इस हॉस्पिटल में तुम लोग, तुम्हारे माँ बाप, सारे डॉक्टर्स सब एक साथ ऊपर जाने वाले हैं। मुझे तो मेरी जन्नत नजर आ रही है, और मैं धीरे धीरे करके उसके करीब पहुंच रहा हूं, और मैं जानता हूं कि डॉक्टर आएगा। He is coming.
हेलो हेलो। अरे फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ सिस्टर, क्या हुआ, क्या बात है? इलाज हो रहा है, डॉक्टर अभी अंदर है। है ना अंदर। दीदी दीदी बहुत देर हो चुकी है, डॉक्टर अंकल कहाँ है? डॉक्टर अंकल अभी बिजी है, अच्छू को क्या चाहिए? पर डॉक्टर अंकल कहाँ गए हैं? डॉक्टर अंकल बहुत बिजी हैं। जैसे ही फ्री होंगे उसके बाद अच्छू से मिलने आ जाएंगे। सुबह से डॉक्टर को ढूंढने में लगी है। डॉक्टर से मिलके उन्हें एक तोहफा देना चाहती है, एक गाना भी सुनाना चाहती है। अब ये बेचारी क्या करे, हर जगह ढूंढते हुए आ रही है। Just for a time, बस डेढ़ ही मिनट बाकी था। डॉक्टर अंकल। डॉक्टर, मौत हमारा पीछा कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना करो। मैंने कहा था ना उसे डिफ्यूज करो। सैफुद्दीन, उसे डिफ्यूज करो। हाँ सब ठीक है। हॉस्पिटल में तबाही मच जाएगी। अगर तू हॉस्पिटल को बचाना चाहता है ना तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। चल खड़ा हो जा।
कहाँ जा रहे हैं आप? वैसे इस खाने में कौन सा जहर मिलाया है तूने? खाने में जहर मिला के मुझे खत्म करने की सोच रहा है तू? हाँ, अब तक मेरे आदमियों ने होम मिनिस्टर को अगवा कर लिया होगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो खाने में जहर मिलाऊं। मेरा काम जान लेना नहीं, जान बचाना है, और ये मेरा फर्ज है। डॉक्टर, मेरी बात सुनो, बच्चों को आईसीयू में शिफ्ट करो। ओके डॉक्टर। हे ईश्वर, ये क्या है? मध्यराज को डराकर लोगों में डर पैदा करने के लिए आज मुंबई में जो होने वाला था, 5 जगहों पर बम स्फोट, उसके बारे में थोड़ा सा डाउट है। परेशानियां बढ़ती जा रही है। प्रिया सब कुछ जानती है और ऊपर से वो मीडिया में काम कर रही है। वो कुछ ना कुछ इसका उपाय निकालेगी। इस खबर को बहुत होशियारी से किसी को बताए बिना किसी अच्छे काबिल ऑफिसर तक पहुंचाया जाएगा तो इस दुर्घटना से इस शहर को हम बचा सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि वो ऑफिसर मोहम्मद इकबाल को जानती है, और इस वजह से सैफुद्दीन का कंप्यूटर इस्तेमाल करके इस खबर को मैंने उन तक पहुंचाया था। उस मंत्री का बच्चा तेरे पास तो है ना, उस बच्चे को लेकर तू ऊपर आ जा।
नहीं मैं कर पाया, तुझको ना बचा पाया। कर दे माफ तू मुझको, तेरा बदला लूंगा मैं तो। एक एक को चुनकर मारूंगा मैं तो। कुछ नहीं मैं कर पाया, तुझको ना बचा पाया। और खेलती रहती थी तू, आँखों का तारा तू ही तो थी। कहाँ गए वो पल रे, हँसती और खेलती रहती थी तू, आँखों का तारा तू ही तो थी। याद तेरी आती है, अब कैसे जीऊंगा मैं। कुछ नहीं मैं कर पाया, तुझको ना बचा पाया। दुश्मन की नजरों में क्यों चढ़ी, उसने है छीना दुनिया मेरी। लूंगा बदला तेरा, दुश्मन के नजरों में क्यों चढ़ी, उसने है छीना दुनिया मेरी। भोली थी तू मासूम थी, तेरे बिन कैसे जीऊंगा मैं। हो कुछ नहीं मैं कर पाया, तुझको ना बचा पाया। कर दे माफ तू मुझको, तेरा बदला लूंगा मैं तो। एक एक को चुनकर मारूंगा मैं तो। कुछ नहीं मैं कर पाया, तुझको ना बचा पाया। कुछ नहीं मैं कर पाया, तुझको न बचा पाया। यस मोहम्मद इकबाल। सर दिस इज प्रिया बालगोपाल स्पीकिंग। सर आई हैव सेंड एन ईमेल, प्लीज चेक, इट्स वेरी अर्जेंट। Thank you.
बच्चों को वार्ड में ले जाकर रखना है क्या? हाँ, और उनके पेरेंट्स को खबर कर देना। सर, ये बच्चे किसके हैं? ये पहचानना मुश्किल होगा क्योंकि उन पर टैग नहीं है सर। ओके 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 ओके, स्कैन स्कैन को दे दो जल्दी। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट्स। सोफिया, वाइफ ऑफ साखरिया थॉमस, स्त्रीलिंग है। ये भी स्त्रीलिंग है। सर सुनिए ना, सर ये दोनों स्त्रीलिंग हैं, हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? अगर डीएनए टेस्ट करेंगे तो कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। छह, दिनेश को बुलाओ, जाओ जल्दी करो। कल शाम को आते वक्त क्या क्या हुआ मैं बताऊं तुमको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मेरे मोबाइल की रेंज ना भी मिले तो भी बात कर लेता हूँ मैं। दिनेश जी, डॉक्टर बालगोपाल बुला रहे हैं। अच्छा, आता हूँ जाने मन। सर, तुम अपना फोन निकल कर दो। वो कहा ना, फोन दो। लीजिए सर। सर, दोनों बच्चों को यहां लेकर आओ। सर,
यस, यही साकरिया थॉमस की बच्ची है। ओके ओके डॉक्टर। छुप जाता हूँ। मंत्री जी की बीबी का डिलीवरी केस सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या हुआ? अरे 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 अरे, डोंट शॉट। बाल गोपाल, ये मत सोच कि तू जीत गया। तेरे इस कारनामे की वजह से तुझे कुछ पल में अंजाम भुगतना पड़ेगा, और कुछ ही पलों के बाद इस अस्पताल को हम लोग बम से उड़ा देंगे। यही तेरी सजा है। इस अस्पताल में हमने टाइम बम रखा है और वो किसी भी समय फट सकता है। तूने क्या सोचा डॉक्टर? तू मुझे धोखा दे देगा। अब तेरी ही वजह से यहाँ सारे लोग मारे जाएंगे, और ये एक वॉर है, और ये वॉर इतिहास रचेगा। और इन सब की वजह तू है डॉक्टर, सिर्फ तू। अब मैं देखता हूँ डॉक्टर, तू इस हॉस्पिटल को कैसे बचाएगा तबाह होने से। डॉक्टर साहब, जो इंसान अपनी खुद की मौत चाहता है उसे हम बचा नहीं सकते। हम उससे बात करके ही काबू में ले सकते हैं। बम का पता लगाने में या बम के बारे में बताने में अगर ये पीछे हट गया तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। वो यहाँ नहीं है, इस खिड़की की तरफ से वो शायद भाग चुका है।
नसीब से उसका फोन मेरे हाथों लग गया। अगर उसके हाथों में होता तो अब तक कोई दुर्घटना हो सकती थी। चलो अच्छा हुआ, शायद उसी का नंबर है। इसी फोन के जरिए उन आतंकवादियों के साथ इसका कम्युनिकेशन हो सकता था। मंत्री के बच्चे को लेकर सैफुद्दीन ऊपर आने वाला है, ऐसा मैसेज आया है। इतना ही मांगता है, सिर्फ एक फोन कॉल। तुम फोन करके पुलिस वालों को समझाओगे तो वो हमारे सारे साथियों को लेकर वापस आ जाएंगे, हैं? इतना तो करोगे ना, नहीं तो तुम दोनों यहीं जान से मारे जाओगे। ये नहीं हो सकता,
मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ए मिस्टर, मुझे मेरी जान से ज्यादा मेरा देश प्यारा है। बहुत बढ़िया, तुम्हारा ये लेक्चर मुझको नहीं चाहिए। बहुत सालों के बाद तुम्हारा एक बच्चा हुआ है ना, वो बच्चा मेरे आदमी लोगों के पास है। इतना काफी नहीं है? उसके जरिए हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, तब तुमको पता चलेगा। अगर बच्चा चाहते हो तो हमारे साथ मिलकर हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। नो, तभी तुम लोगों को बचा पाओगे, नहीं तो तेरे बच्चे को मार दूंगा। मैं तुझे सोचने के लिए कुछ वक्त देता हूँ, आराम से सोच के मुझको बताना बच्चा चाहिए कि नहीं। ए, तू जानता है तू किससे बात कर रहे है? ये मत सोच कि तू जीत गया। तेरे इस कारनामे की वजह से तुझे कुछ पल में अंजाम भुगतना पड़ेगा, और कुछ ही पलों के बाद इस अस्पताल को हम लोग बम से उड़ा देंगे। यही तेरी सजा है। बाल गोपाल, मैंने तुझसे कहा था ना, ये युद्ध है, ये इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा। कैसे योद्धा हो तुम? कुछ देर पहले तुमने एक बच्ची को मारा और अब दूसरी बच्ची को भी मारना चाहते हो, इसे योद्धा कहते हैं? मैं एक योद्धा हूं, आजा। आज आपने जो किया है ये कोई मामूली काम नहीं है। इन्होंने और भी कई जगहों पे बम रखे थे। जो प्लान इन्होंने बनाया था उसे आपने डिफ्यूज कर दिया और यहाँ के लोगों की जान बच गई। इसकी वजह आप ही हैं। आज आपने जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे छोड़ो, मैंने क्या किया, ये तो उसकी इच्छा थी। मैंने पुतले की तरह अभिनय किया, अगर मैं अभिनय नहीं करता तो कोई और कर लेता। लोग सही कहते हैं कि डॉक्टर के अंदर भगवान का रूप होता है। आज सिर्फ मैं और यहाँ के लोग ही नहीं, मेरे बच्चे, मेरे देश के लोग, सभी लोग बच गए। सच में आप बहुत महान हैं। आप सिर्फ एक इंसान ही नहीं, एक अवतार हैं। आपको हम सब कभी नहीं भुला पाएंगे। हम सभी आपका ये कर्ज जीवन भर। छोड़ो ये सब, जहाँ जहाँ अधर्म पैदा होता है वहाँ वहाँ पर भगवान अवतार लेते ही हैं। मैं तो एक आम इंसान हूँ। डॉक्टर, आप बहुत महान हो। आपका ये डॉक्टर शब्द आपको और भी महान करता है। इस साल का वीरता का अवार्ड
हम आपको ही देने ये सब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, यहाँ पर जो भी हुआ इसका पूरा श्रेय इकबाल को ही जाता है। अरे क्रेडिट देना है तो इकबाल को दो, देखा जाए तो सभी काम मैंने नहीं किए, कुछ उसने भी किए। इस पवित्र धरती पर अत्याचार बढ़ाने के लिए और दूसरों की जिंदगी तबाह करने के लिए कुछ लोग तुले हुए हैं, हजार नहीं इस तरह के लाखों लोग इस काम में जुटे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को समाज में एकजुट होकर रहना चाहिए। हमारे भाईचारे के इस रिश्ते को हमें हमेशा समाज में बनाए रखना चाहिए। आजकल के नौजवानों के दिल में जहर भरकर उन्हें मजहब के नाम पर काफिर बनाया जा रहा है, ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज को मद्देनजर रखते हुए कई लोग हमारे बीच में मुसलमान भाई बहन जैसे रिश्ते को तकलीफ में डाल रहे हैं। इन लोगों की कोशिशों को हमें सामने आकर रोकना होगा। जैसे हथियार और आतंक को रोकने का अधिकार सिर्फ पुलिस और मिलिट्री को है, ऐसा सोचना छोड़कर हम आम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यही हम नागरिकों का कर्तव्य है, और उसी पल हमारे हाथ भी भगवान की तरह मजबूत हो जाएंगे। लाचार और बेबस लोगों की मदद करने से हमारा भी अवतार भगवान जैसा हो जाएगा। हम एक दूसरे में प्यार मोहब्बत बांटकर उनकी मदद करके उनके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, और ऐसा करके आप उनके लिए भगवान का रूप बन सकते हैं। दुश्मनों पे पाई जे सुन लो तुम सब अब ये गीत, आया देखो भगवान का दूत यहाँ सबको बचाने को। विजयी हो दुश्मन को मारा है, कुछ भी कहने की जरूरत क्या। दुश्मनों पे पाए जे सुन लो तुम सब अब ये गीत, आया देखो भगवान का दूत सबको बचाने को। भगाया लड़ गया मैं, दुष्टों को मारा मैं, उनको नहीं छोड़ा मैं, उनके सारे सपनों को तोड़ दिया, सबको जड़ से मैंने उखाड़ दिया। भगवान का बचाने आया।
जब जब पाप बढ़ा धरती पर, तब मैंने अवतार लिया अपनों का साथ दिया, उनका एक भी बाल भी बाका न होने दिया। अच्छा होता है बुरे कर्मों का फल, बुरा होता है दुश्मनों पे पाई जीत। सुन लो तुम सब अब ये गीत, आया देखो भगवान का दूत सबको बचाने, आया देखो भगवान का दूत सबको बचाने।